हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। मैं हूं वरदराम, स्कूल लेक्चरर, और इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ के लिए करने वाले हैं एक मॉडल पेपर। तो आइए देखते हैं कि इस मॉडल पेपर में ये जो आपके पोइट्री सेक्शन से एक टेक्स्ट लिया हुआ है, इसका आपको एक स्टेंजा है, दो स्टेंजा है, इसके पहले इसको ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर आपको देने हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स में से लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको रीड द एक्सर्प्ट्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड That floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, besides the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly डांस। तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोईम डैफोडिल्स, और इसमें से ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला प्रश्न क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइट सी व्हाइल ही वाज वंडरिंग लाइक अ क्लाउड। जब वो एक बादल की तरह जब घूम रहा था तो उसने क्या देखा? तो आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, वो कह रहा है जब मैं एक बादल की तरह घूम रहा था, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ क्राउड, तो उसी समय उसने एक भीड़ देखी, एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। किस चीज़ की? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, मैंने गोल्डन कलर के डैफोडिल्स के फूलों की एक बहुत बड़ी कतार, एक लंबी लंबी श्रृंखला देखी थी। नंबर टू, हाउ मैनी डैफोडिल्स डिड द पोइट सी एट अ ग्लांस, एक ही झलक में उस कवि ने कितने सारे डैफोडिल्स देखे थे? तो यहाँ पर देखिए, 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, एक झलक में मैंने 10,000 डैफोडिल्स, द पोइट सा 10,000 डैफोडिल्स। नंबर थ्री, वेयर वर डैफोडिल्स स्ट्रेच, डैफोडिल्स कहाँ फैले हुए थे? तो डैफोडिल्स सब जगह थे, है ना, सब जगह यहाँ पर देखिए फैले हुए थे। यहाँ पर कवि का अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, उस खाड़ी के किनारे किनारे सब जगह जो है वो डैफोडिल्स फैले हुए थे। एंड फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स रोम एंड ग्लिम्स, रोम का मतलब होता है वंडर, रोम यानी घूमना भटकना, है ना, तो ये वंडर वंडर ये रोम का मतलब है, और नेक्स्ट है ग्लांस, ग्लांस का मतलब एक झलक होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब झलक है, तो इसका मतलब हो जाएगा ग्लांस, ठीक है। तो ये हमने किया एक आपकी पोइट्री सेक्शन से हमने एक एक्सेप्ट्स, और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसी टाइप के एक्सेप्ट्स मिलते रहेंगे, सब कुछ हम करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।